साठ गज का मकान ढूंढ रहे हैं दोस्तों जड़ से, तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। ये जो प्रॉपर्टी है, साठ गज की प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, एक मंजिल की प्रॉपर्टी रहने वाली है। फ्रंट एलिवेशन देख पा रहे हैं, टाइल वर्क देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारे मकान ऑलरेडी यहाँ तैयार हो रहे हैं। मकान के सामने आपको 20 फिट की रोड मिल जाती है, जो कि इंटरलॉकिंग टाइल्स की रोड रहने वाली है। कॉलोनी गेट बंद रहेगी दोस्तों। लोकेशन की बात करूँ तो ये लाल कुआ गाजियाबाद की लोकेशन है। कॉलोनी का नाम मानसरोवर पार्क रहने वाला है। नगर निगम में आती है, वार्ड नंबर 42 में। तो जेन्युइन प्रॉपर्टी रहने वाली है। और ख़ास बात क्या है, 5 से 6 बैंक लोन कर रहे हैं, तो लोन जो करते हैं बैंक वो जेन्युइन प्रॉपर्टी पे ही करते हैं। ऐसी वैसी प्रॉपर्टी पे तो बैंक पे लोन नहीं करता है। तो प्रॉपर्टी एक नंबर रहने वाली है। और लोन प्रोवाइड 80% आपको हो जाएगा, मात्र 20% देकर आप मकान में शिफ्ट हो सकते हैं। बाकी लोन आप भर सकते हैं महीने की किस्तों में। तो ये मैं दिखा रहा हूँ साठ गज की प्रॉपर्टी। डायमेंशन की बात करूँ तो 15x36, 15 का फ्रंट रहेगा, गहराई 36 की रहने वाली है। इसके अंदर आपको टू व्हीलर की पार्किंग मिल जाती है। डोर आप देख पा रहे हैं, लोहे के डोर मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको सारा मार्बल का सीढ़ियों पे वर्क मिल जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको लोहे के डोर मिल जाते हैं। चौखट सारी आपको लोहे की ही मिलने वाली है। टू व्हीलर की पार्किंग मिल जाती है। और यहाँ पर आपको समर सेवल के पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबका सेपरेट समर सेवल रहने वाला है। रोड भी आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी रोड आपको मकान के सामने मिलने वाली है। जैसे आप अंदर एंटर करते हैं तो आपको पार्किंग एरिया प्लस एक डोर अलग मिल जाता है, जो कि आपको सेपरेट कर देता है पार्किंग एरिया से। अगर आप चाहें रेंट पे देना ऊपर के लिए तो कुछ सेपरेट पोर्शन आपको मिल जाता है। ये देखिए डोर दिया गया है एंट्री करने के लिए भी। जैसे आप एंटर करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। किचन जो मिलेगी एल टाइप की मिलेगी और मॉड्यूलर किचन रहने वाली है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इसमें प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए हैं। बिल्कुल रेडी टू मूव आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है। यहाँ पर आपको फ्रिज का एरिया भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। यहाँ पे स्विच भी दिया गया है रेफ्रिजरेटर के लिए। बाकी आप देख पा रहे हैं किचन में भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है, प्लस सारी फिटिंग्स करा के दी हैं। ऊपर आप देख पा रहे हैं चिमनी का पॉइंट भी दिया गया है। ऊपर आप देख पा रहे हैं फॉल सीलिंग का वर्क आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी सारी लाइट्स आपको लगा के दी जा रही हैं दोस्तों। और किचन के सामने भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। आप यहाँ पर अपना कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, टेबल रख सकते हैं या फिर अपना पूजा घर बना सकते हैं। बाकी अगर हम टॉयलेट बाथरूम की बात करें तो अटैच टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है। लगभग 8 फुट तक का टाइल वर्क आपको मिल जाता है दीवारों पर। इसमें भी आपको सारी फिटिंग्स करा के दी जा रही हैं। बिल्कुल रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर आप कुछ चेंजेस कराना चाहें तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस करा सकते हैं दोस्तों। बाकी एक कमरा आपको पीछे मिल जाता है। पीछे के कमरे का साइज़ की बात कर लें तो लगभग 11x12 का कमरा रहेगा। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं फ्लोरिंग पर टाइल वर्क मिल जाता है। ऊपर आपको लाइट्स दी गई हैं, प्रॉपर विंडो भी दी गई है जिससे कि वेंटिलेशन रहे। प्लस स्विचेस आप देख पा रहे हैं, ओरिएंट के स्विचेस इसमें यूज़ किए गए हैं। काफ़ी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। और आप कुछ चेंजेस कराना चाहें अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में तो आप चेंजेस करा सकते हैं। पेंट चेंज करा सकते हैं या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा नक्शे में कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं तो वो भी आप अवेलेबल रहता है। बाकी देखिए अलमारी का स्पेस भी इसमें दिया गया है, तो आपका जो स्टोरेज एरिया है वो भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। प्रॉपर देखिए वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ दी गई हैं जिससे कि पीछे वाले कमरे में भी प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाए। और लोहे की चौखट पूरे मकान में इस्तेमाल की गई हैं जिससे कि कोई भी दीमक का खतरा फ्यूचर तक में भी ना रहे। ये पहला कमरा रहेगा, लगभग 9x10 का रहने वाला है। इसमें भी आपको पूरी फिटिंग्स मिल जाती हैं। फ्रंट में आप देखिए एक सेफ्टी डोर दिया गया है, प्लस आपको एक लकड़ी का डोर भी मिल जाता है। दो डोर आपको मिल जाते हैं। और इसमें भी आप देख पा रहे हैं प्रॉपर विंडो दी गई है। इसमें आप चाहें तो विंडो एसी बाहर से ही लगवा सकते हैं। तो प्रॉपर लोकेशन है नगर निगम गाज़ियाबाद की लोकेशन ये रहने वाली है। 80% लोन की सुविधा अवेलेबल रहने वाली है। मात्र 20% देकर मकान में शिफ्ट हुआ जा सकता है। अगर हम मकान की कीमत की बात करें तो ये साठ गज का मकान 28 लाख रुपये में मिल जाएगा। मात्र 5 लाख रुपये देकर आप मकान में शिफ्ट हो सकते हैं, बाकी आपका लोन हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, तभी आपके पास लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेंगी। बाकी दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ।